नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हमारे यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये बारिश जो है बहुत सारे प्लांट को तो जो बहुत पसंद होती है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इस बारिश के पानी में, क्योंकि इस बारिश के पानी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होता है। पर साथ ही कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इस बारिश के पानी में जो है संपर्क में आने से ज़्यादा उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ जाता है, तो ये प्लांट जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। हमारे पास कीमती प्लांट भी होते हैं वो, तो उन्हीं के बारे में आज का मेरा वीडियो है कि कैसे हम कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं कि जिनको हमने इस रेन से बचा के रखना है। बारिश का एक दो पानी तो उनको चल भी जाता है, और कई प्लांट में एक पानी भी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि इन प्लांट को अपनी रूट्स पर तो ये पानी सहन कर सकते हैं, पर उनके ऊपर से जब पानी गिरता है वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको उन्हीं प्लांट के नाम बताने वाली हूँ जिनको आपने इस रेन वाटर से बचाना है। एक्जोरा में देखिए, इससे बारिश का पानी बहुत पसंद होता है। तो ये कितना अच्छा, जितना इसमें दिखाई नहीं दे रहा उससे ज़्यादा खूबसूरत ही वैसे दिखाई दे रहा है। मेरे जो एक्जोरा के दोनों प्लांट में जो है कलर जो हैं बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावर्स इसमें खिल रहे हैं। ये देखिए पिंक एक्जोरा कितना ज़्यादा इस समय जो है फुल ब्लूम दे रहा है। तो इस समय तो ये प्लांट को तो बहुत अच्छा लग रहा है इस समय इस रेन का वाटर। दोस्तों, आजकल हर कोई अपने यहाँ थोड़े बहुत सैकुलेंट जरूर लगाता है, तो सैकुलेंट को देखिए, मैंने आपको नाम बताती हूँ अभी कौन कौन से किस तरह रखे हैं। और इस तरह देखिए, इन्हें पॉलीबैग से पूरे कवर्ड कर रखे हैं। अगर आपके पास शेड वाली जगह है जहाँ पर ऊपर पोर्च है तो वहाँ रख सकते हैं, नहीं है तो मेरी तरह मेरे पास जगह नहीं है ऐसी। ये देखिए मेरे सिडम, हवर्थिया, ये सारे प्लांट मैंने इस तरह सेव कर रखे हैं। ये इनके ऊपर बारिश का पानी हमने नहीं गिरने देना है। ये देखिए पैचीपोडियम, सारे प्लांट हैं मेरे ये। ये देखिए सैकुलेंट में अयोनियम है, ये मेरा प्लांट मर गया है क्योंकि इसमें जो है बारिश का पानी पड़ गया होगा। तो इस तरह जितना भी हो सके इन प्लांट को बारिश के पानी से सेव करना है। इनको हम इंडोर भी नहीं रख सकते हैं, अगर इनको इंडोर रखेंगे, सिर्फ बारिश के समय रखेंगे, फिर से इनको बाहर लाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद इनके अंदर पानी जो है एब्जॉर्ब होता है, उससे भी क्या होता है इसकी लीव्स गिर जाती हैं। तो इसको थोड़ी बहुत सनलाइट बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इस समय जो है रेन के समय आप चाहें तो अंदर रख सकें एक कर करके, फिर से इनको बाहर लाना पड़ेगा। दोस्तों, ये देखिए एचिवेरिया है, ये एचिवेरिया भी ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाएगा। दूसरा ये बिगोनिया है, इनको भी कम पानी देना है। ये देखिए ये कैलेडियम है, कैलेडियम भी ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाते हैं, तो कैलेडियम को भी पानी से बचाना है हमने। में जो देसी वैरायटी आती है वो तो बारिश का पानी सहन कर लेती है, पर जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं उनके लिए बारिश का पानी नुकसानदायक होता है। तो इसलिए कैलेडियम को अगर आपके प्लास्टिक के पॉट में लगे हैं तब तो ज़रूर भी आपने बारिश के पानी से इसको बचाना है, लगातार बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अपने जो कैलेडियम के प्लांट हैं इनको बारिश के पानी से थोड़ा सा किनारे पर रख रखा, जिससे थोड़ा कम पानी पड़ पाए इनके अंदर। अभी आपको मैंने जो है मेरा समर का बिगोनिया दिखाया था, ये विंटर के बिगोनिया के प्लांट हैं। गर्मी तो हमने इनको जैसे से बचा लिया है, पर इस समय जो है इनको बारिश के पानी से नहीं बचाएंगे तो आपकी पूरी मेहनत जो है बेकार जाएगी। तो ये देखिए ये मेरे सब प्लांट मैंने इस तरह से संभाल रखे हैं, इनको बारिश का पानी से बचाने की कोशिश कर रखी है। दोस्तों, ये अडेनियम का प्लांट होता है। अडेनियम के प्लांट जो है जितना इसके पत्ते खूबसूरत नहीं लगते उससे ज़्यादा इसका कॉडेक्स खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को आपने बारिश के पानी से नहीं बचाएंगे तो इसका कॉडेक्स गल जाता है और पता भी नहीं चलता, पत्ते कुछ दिनों तक हरे भी दिखते रहते हैं। तो इसलिए इसको बारिश के पानी से आप सेव करें, नहीं तो ये प्लांट भी आपका जो इतना कॉस्टली भी आता है और बहुत लंबे समय तक हमारे पास चला रहता है, बना रहता है। देखिए मेरे इसमें सीड पॉट भी रेडी हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पानी जो फिर भी साइड से आ रहा है पर मैं इसको डायरेक्ट पानी से सेव कर रखा है। दोस्तों, ये पॉइनसेटिया है, विंटर का प्लांट होता है, विंटर में फ्लावरिंग करता है ये, पर ये परमानेंट प्लांट होता है। इसको भी हमने बारिश की तेज बारिश से इसमें बचा के रखना है। मैंने इसलिए इसको किनारे पर रख दिया, ये मेरी कटिंग से तैयार पॉइनसेटिया के प्लांट थे, लास्ट ईयर ही मैंने तैयार कर लिए थे। तो इनको जो मैं पॉली बैग में संभाल के इस तरह से रखती हूँ, तो इनको जो है किन पोर्च के साइड किनारे पर रख रखा है। एक मेरा ये पिंक पॉइनसेटिया है और ये जो है फिर से मेरा जो है यही पॉइनसेटिया रेड कलर का है।
अगर आपकी गुलदावरी कटिंग रेडी हो चुकी है तो अब ज़मीन में लगी है तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने मेरी तरह से किसी पॉली बैग वगैरह में लगा रखी हैं तो इनको जो है आप बारिश के तेज़ बारिश से लगातार बारिश से 3-4 दिन की बारिश लगातार होने से उससे थोड़ा सा सेव करिए, नहीं तो ये भी आपकी गल जाएंगी क्योंकि एक सीमा तक ये पानी सहन कर पाती हैं। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो जो है आपके पास इस तरह सेट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इनको किसी बड़े प्लांटर में रख दीजिए जिससे कि जो भी पानी होगा नीचे से जो है मिट्टी के अंदर वो पानी मिट्टी में चला जाता है। अगर पक्के सीमेंट को रखेंगे तो ज़्यादा नुकसान होता है इनको, तो इसलिए मैंने इनको बारिश के पानी से बचाने के लिए किनारे पर रखा है। दोस्तों ये डेंथस हैं, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं हो रही, इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं सब प्लांट को जो है इस तरह से जहाँ छाया हो वहाँ रख सकूँ जहाँ बारिश का पानी ना पड़े, तो फिर भी मैंने थोड़ा किनारे पर रख रखा है। इनको आपके पास है तो इनको भी आप जिस तरह से साइड में बारिश का पानी ना पड़े उन जगहों पर रख सकते हैं। ये इम्पेशन है, इसमें पिंक कलर के, रेड कलर के, वाइट कलर के सर्दियों में बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, पर इसको भी आपने तेज़ बारिश से बचा के रखना पड़ेगा। ये है सभी का जाना पहचाना कलेंचो का प्लांट। कलेंचो के प्लांट को भी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इनको भी आपने तेज़ बारिश से दूर रखना है। मेरे पास एक कांच का जो है ये फ्रेम टूटा हुआ था, मैंने इसकी शेड में जो है अपने ये कलेंचो और इम्पेशन रख रखे हैं जिससे डायरेक्ट इन पर पानी नहीं पड़ रहा है। ये कांच है जो आपको दिखाई दे रहा बीच में। ये जेट प्लांट है, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये भी मर जाएगा, पत्तियाँ गिरा देगा। इंडोर भी नहीं रखना है इन प्लांट को, अगर सिर्फ बाहर रखना है तो बारिश के समय रखिए, उसके बाद फिर से बाहर लाएं, नहीं तो इंडोर रखने में भी इसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी क्योंकि आसपास एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इस समय। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, ये भी सैकुलेंट की वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये भी गल जाएगी। ये टेंगल हार्ट है, टेंगल हार्ट भी एक मतलब सीमा तक ही पानी सहन कर पाता है, ज़्यादा पानी मिलने से इसकी रूट रॉट होता है और फिर ये मर जाता है। ये मैंने जो डॉट वैरायटी वाले हैं ये इंडोर में प्लेस कर रखे हैं अभी, पर जब सनलाइट आती है फिर से मैं इनको धूप में रखूँगी। अगर आपके पास चाइनीज एवरग्रीन शेड में लगाने वाले प्लांट हैं जैसे चाइनीज एवरग्रीन है, लिपस्टिक एग्लोनीमा वगैरह हैं, तो इनको भी लगातार बारिश के पानी से आपने बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लांट भी रूट रॉट होकर मर जाते हैं। जेरेनियम के जो प्लांट हैं वो जो है विंटर में फ्लावरिंग करते हैं, पर इनको भी आपने थोड़ा सा ऐसी जगह रखना पड़ेगा कि बहुत डायरेक्ट सीधी सीधी बारिश के ऊपर ना पड़े, क्योंकि इसका जो क्राउन होता है उस क्राउन के ऊपर अगर लगातार पानी पड़ता रहेगा तो वहाँ से वो सड़ जाएगा। क्रिसमस कैक्टस का प्लांट है, विंटर में फ्लावरिंग करेगा क्रिसमस के आसपास ही, पर इसको अगर आपके पास है तो ये प्लांट थोड़ा महंगा भी आता है, तो इसको ज़रूर आप सेव करके रख लें। मैंने इसको ऐसी जगह रखा था कि मतलब ना ज़मीन में टच हो रहा था, इसको पेड़ के बीच में अटका के रखा था, तो इसलिए मेरा ये प्लांट जो है तेज़ गर्मी में उस समय बच गया, तो इस समय इसको आप बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये प्लांट आपके पास है तो इसको भी आप सेव कर लें। दोस्तों ये हाइब्रिड बिंका है जो सभी को अच्छा भी लगता है और बहुत हार्ड भी है और बहुत नाजुक भी होता है, क्योंकि इसमें जो है ज़रा से ज़्यादा पानी लग जाएगा तो ये प्लांट जो है इसकी लीव्स ख़राब हो जाएंगी और धीरे धीरे प्लांट मर जाता है, तो इस प्लांट को भी आपने सेव कर लेना है। बारिश का तीजा सीधा पानी इस पर न पड़ने दें तो इसलिए इसको किनारे पर दीवार की साइड पर रखें, दीवार की साइड पर रखने से भी प्लांट पर जो है पानी कम पड़ पाता है। मेरे पास ये विंडो है तो यहाँ मैंने इस पर जो है अपने कैलेडियम वगैरह इस तरह से रख दिए हैं, तो ये प्लांट जो हैं इस समय यहाँ पर सेव हो जाएंगे। 3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है, कुछ प्लांट बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ प्लांट के लिए बहुत चिंता हो रही है कि ये प्लांट ख़त्म ना हो जाएं, तो इसी चलते चलते देखिए मेरे गार्डन में जो है ऐसी बारिश हो रही है, प्लांट जो हैं जो हार्डी प्लांट हैं वो रेन को इंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी तो इस समय खूबसूरती बढ़ती है, प्लांट की ग्रोथ खूब तेज़ हो रही है, तो ये सब चल रहा है। और जो वैसे हार्डी प्लांट हैं जिनको रेन बहुत पसंद है वो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में यही था कि अपने जो अपने प्लांट अभी तक सेव कर रखे हैं उनको आप इस रेन वाटर से सेव करिए, तो इससे वो प्लांट आपके पास फिर बने रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों, अगर आपके रोज के प्लांट पॉट में लगे हैं या ग्रो बैग में लगे हैं तो उनको भी दीवार की साइड या जो पोर्च वगैरह है उसमें रख लीजिए। जिनके ज़मीन में लगे हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा बारिश से रोज के प्लांट को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उसमें जो है हल्की फुल्की जो क्रोनिंग हुई होती है उन छेद से जो पानी अंदर जाता है तो रूट जो स्टेम डाई बैग की प्रॉब्लम होती है वो इस समय बहुत ज़्यादा होती है।